अधीक्षक राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा द्वारा जिला राजगढ़ में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारी गणों को निर्देशित किया गया है। निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री नवल सिंह सिसोदिया व SDOP ब्यावरा श्री किरण अहिरवार के निर्देशन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक रजनीश सिरोठिया द्वारा अपने थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के संबंध में कार्रवाई करने हेतु थाने पर टीम का गठन किया गया। दिनांक 29 जुलाई 2020 को थाना सुठालिया की टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर घोगरा घाट पार्वती नदी पुल रपटे के पास से आरोपी ब्रजमोहन पिता जगन्नाथ जाति विश्वकर्मा उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्रमांक 5 सुठालिया के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 15,000 रुपये का जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने पर अपराध क्रमांक 275/2020 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना सुठालिया की टीम थाना प्रभारी सुठालिया उप निरीक्षक रजनीश सिरोठिया ASIRS भिलाला प्रधान आरक्षक सुरेश मेवाड़ा आरक्षक सतीश त्यागी आरक्षक सूरज चावरिया आरक्षक श्याम एवं आरक्षक रामस्वरूप का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा एडिशनल SP नवल सिंह सिसोदिया साहब SDOP मैडम किरण अहिरवार के निर्देशन में मादक पदार्थ अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्ती करने के निर्देश दिए तथा कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तारतम्य में कल दिनांक 29/7 को घोगरा घाट पर एक व्यक्ति की अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर मौके पर ASI बिलाला साहब को भेजा व उनकी टीम को भेजा, जाकर देखा ब्रजमोहन पिता जगन्नाथ विश्वकर्मा निवासी सुठालिया को 1 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ मौके से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की गई। अपराध पंजीबद्ध कर तो यह चुनाव जारी है।